यूपी हो या बिहार, एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, हर तरफ भीड़ का खूनी तांडव जारी है। ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हाल ही के दिनों में सामने आई हैं। पहले भी भीड़ की हैवानियत सामने आती रही हैं, लेकिन पिछले एक महीने से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सरकार और प्रशासन भी हैरान है, क्योंकि इसके पीछे है अफवाहों की गहरी साजिश जो लोगों के दिमाग में हैवानियत का जहर घोल रही है। सवाल यह है कि बच्चा चोरी से जुड़े वीडियो कौन वायरल कर रहा है? समाज में भय और भयानक हत्याकांड के जाल में कौन फंसा रहा है? 50-100 जितनी भीड़ है वो सब मार रही है, थप्पड़ मैंने नहीं मारा, उस सब ने मारा है। जो उसके मन में जो क्राइम की जो डर है, जो करने का जो डर होता है, कानून पकड़ेगा पुलिस दिल्ली, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और खत्म होने के चलते उसको लगता है कि जो भी है कलेक्टिव हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, और जो भी होगा सबको सब मॉब का तो ना कोई चेहरा होता है, ना शक्ल ना सूरत होती है, तो पकड़ा मैं जाऊंगा नहीं, एक फीलिंग ऑफ कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, और जो डर क्राइम करने का जो व्यक्ति के मन में रोकता है उसको, वो काफी कम हो जाता है, कई बार खत्म भी हो जाता है। पिछले एक हफ्ते में ही यूपी में भीड़ हिंसा से जुड़ी दर्जनों वारदात सामने आ चुकी हैं। भीड़ बेगुनाहों को पीटने में उतारू है, जिसके चलते कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 3 दिन में सीतापुर, सुल्तानपुर से हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब तक यूपी में 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 140 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। 47 एफआईआर से रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें 140 लोगों को गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो और कुछ उनको ये भी बताया गया है, कुछ ऐसा कोई रिपीटेशन करता है और बार बार के साथ साथ कोई संगठित रूप से अफवाह फैलाता है, उनको NSA तक भी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई है। DGP से लेकर तमाम आला अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर गौर ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल बच्चा चोरी से जुड़ी अफवाहों ने लोगों के अंदर इतना डर भर दिया है कि किसी भी अनजान शख्स या महिला को देखकर लोग उसे बच्चा चोर समझ लेते हैं, और फिर सामने आती है हैवानियत की हद पार कर देने वाली वारदात। हमारा सोशल मीडिया का लैब भी है और हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क भी है, जिसमें निरंतर सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाता है। मॉब लिंचिंग की हर वारदात के पीछे एक ही अफवाह है, और वो है बच्चा चोरी की। लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। मणिपुर में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत दूसरे राज्य भी कानून बनाने की तैयारी में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है, दोषियों को कड़ी सजा देने की बात हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो समाज में जहर घोल रही अफवाहों को लेकर है। हमारी भी आपसे अपील है कि सतर्क रहें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर कोई संदिग्ध लगता है तो कानून को हाथ में लेने की बजाय उसकी खबर पुलिस को दें। अफवाह फैलाने वालों की भी सूचना दें, ताकि कोई निर्दोष इस तरह हैवानियत का शिकार ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।